बहुप्रतीक्षित LIBF एक्सपो 2024 के पहले संस्करण की आधिकारिक घोषणा मुंबई में की गई। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यह कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसकी रूपरेखा भौगोलिक सीमाओं को पार कर सार्थक व्यावसायिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। यह एक्सपो गुजरात के गांधीनगर स्थित हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर में 18 से 21 जनवरी के बीच होने जा रहा है। मुंबई स्थित इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्योग जगत की नामचीन हस्तियों ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। पेश है एक खास रिपोर्ट। First of all, thank you, you know, so much, you know, for coming over for this press conference. We are connected with about 37 countries. As mentioned, you know, we had representation from 22 countries in our last event in 2023, which was held at Munyonyo Resort at Uganda. This time also we have extended this, you know, to about 37 countries, and I'm very sure that, you know, more than 22 countries this time, you know, because last time, as we said, that many people were left out, you know, they felt left out, and so therefore I'm sure that, you know, they would not like to miss out, you know, this opportunity once again. As regards the number of sectors, you know, I can say that, you know, it is from advertising all the way, you know, advertising, agriculture, auto sector, banking and finance, chemicals, petrochemicals and fertilizers, education, electrical, event management, FMCG products, food and farming, furniture, names it, gems and jewelry, you know, we are very strong here, mining, handicrafts, healthcare, hospitality, imports and exports, trading, IT and digital media, we are very strong at, logistics and renewable energy, sports and recreation, telecom, textile, turnkey projects, waste management. These are the areas, you know, we have, these are the sectors, you know, we have identified, but more than that, you know, therefore, you know, we have said others. So, you know, there is a wide scale opportunities here. Sorry, opportunities isme hai. Aap jante hai ki India is full of opportunities, import mein aur export dono taraf pe. आप जानते हैं कि अभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां इंडिया की तरफ उनका झुकाव है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से ही परचेस करना है। बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो पहले मोदी साहब की वजह से, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से, और ख़ास करके उनका ये जो है अपना मेड इन इंडिया का जो उन्होंने जो एक अभियान जो चलाया है उसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो इधर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी ग्रोथ है और इधर से इंपोर्ट का भी बहुत काफ़ी ग्रोथ सबको दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री का जो पहल चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोकल फॉर वोकल और मेड इन इंडिया, उस पर कितना इस एक्सपो का फोकस है? जो माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का अप्रोच है वो खाली सेंटीमेंट बेस्ड अप्रोच नहीं है, वो प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच भी है कि देश के भले में क्या है, और देश भी विश्व का एक भाग है तो विश्व के साथ संबंध भी अच्छे रख के काम आगे बढ़े वो देखना रहता है। तो एज अ नेशनल ड्रिवन फोकस फॉर दी इंडस्ट्रीज एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन पर्टिकुलर, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है और वो हम सब हिंदुस्तानियों को पूरे पूरे दिल से उसको फॉलोअप कर देना चाहिए। नाउ कमिंग टू LIBF, LIBF ऑल्सो इज पार्ट ऑफ इट, LIBF इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन मिशन ऑफ मेड इन भारत। दैट इज इनफैक्ट वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ दिस इवेंट कि भाई यहाँ पर जो हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, और उससे बाहर के लोगों को भी क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, और कैसा बढ़ावा हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में और सर्विस इंडस्ट्रीज़ की फैसिलिटीज़ में वो अपना प्रदान अब्रॉड कर सकते हैं। साथ ही में ये एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको बाहर से जो आयान करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और कोई असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो वो इट्स अ टू वे ट्रैफिक, इट कैन बी वन वे ट्रैफिक कि भाई हमको खाली उनको देखे उनके साथ पैसा लेना है। हम जो करते हैं तो करने के लिए भी उनकी भी सरकार की ज़रूरत रहती है, जाकि उनका भी फायदा रहे और हमारा काम भी आगे बढ़े।
तो ये दोनों ध्येय है वो सम्मिलित करके ये आयोजन किया गया है। एक ये सवाल एकदम बराबर है, अभी कोविड तो अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड आउट है, लेकिन हमको जो पार्टिसिपेशन मिला है वो कोविड के बावजूद मिला है, और ये एक बहुत ही इनकरेजिंग समाचार है अपने सब भारतीय लोगों के लिए कि बाहर की कंपनियां जो है देश विदेश से आ रही है और किसी ने भी आज दिन तक अपना कैंसिलेशन नहीं दिया है। तो ऐसे ही लग रहा है कि कोविड है ही नहीं, क्योंकि हम लोग जो पार्टिसिपेशन देख रहे हैं वो बहुत ही एंथुजियास्टिक और बहुत ही जो हमको ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन दिख रहा है, हमको तो कोई कोविड का समाचार नज़र नहीं आ रहा है। कि देखो एक तो बात है, अभी चाइना में फोकस इंटरनेशनली कम हो रहा है जाता है, वो इंडिया पे फोकस ज़्यादा है, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वैसे आईटी में तो इंडिया का नंबर आगे भी है, और कहीं कहीं कंपनियों यूके में इंडियन आईटी कंपनी की सर्विसेज अभी भी चालू है, लेती रहती है, और यहाँ के भी बिजनेसेस अभी वहाँ यूके में प्रेजेंस हो रहे हैं। अभी कम से कम 800 कंपनीज यूके में इंडिया से इस्टेब्लिश हुई है, राइट, और वो वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट देती है, यहाँ भी होता है। तो ये तो क्या है कि LIBF तो प्लेटफॉर्म दे रहा है सभी को कि भाई वहाँ की कंपनी को भी फ़ायदा हो सके, यहाँ की कंपनी को भी फ़ायदा हो सके, लेकिन प्लेटफॉर्म कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। इंडिया में अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर तो सभी को इंडिया का ही मिलेगा, वो इंटरनेशनल के लिए अच्छा है। वो मैं अगली बार भी बोला था कि भाई जनवरी ये मंथ अच्छा है ट्रैवलिंग के लिए, इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए, यहाँ वेदर कंडीशन बहुत सेटिस्फाइंग होती है, तो इसलिए उनको यहाँ पार्टिसिपेशन के लिए उनका ये हमने टाइमिंग ऐसा रखा है। वाइब्रेंट गुजरात की बात है, वाइब्रेंट गुजरात में से भी कहीं लोगों एक्सटेंड करके वहाँ पार्टिसिपेशन हो गए, इसीलिए वहाँ रखा है गांधीनगर में कि हमको किसी को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, बीच में वो ट्रैवल भी कर सकेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देख सकेंगे, जो भी करना है वो भी कर सकते हैं, थोड़ा दिन में उत्तरायण भी है, तो ये सब मिक्स करके उनको एक्सपोजर मिलने वाला है, मिलेगा, और मेरे ख्याल से इंटरनेशनल इंटरेस्ट तो ज़्यादा ना ज़्यादा बढ़ेगा, इवेंट के साथ साथ बढ़ेगा और उनके बाद भी बढ़ेगा। ज़्यादातर वुमेन फ्रॉम अ फोकस फ्रॉम वुमेन स्टैंड पॉइंट, जो गृह उद्योग के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अलग अलग फील्ड से, अलग अलग एक्सपीरियंस से, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से, जो लोग अपने घर से काम कर रहे थे लेकिन उनको एक्सपीरियंस करना है, उनके लिए सारे स्टॉल्स, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना जो टैलेंट है या अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको डिस्प्ले करने के लिए, वो सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट सिस्टम है। कई बार ये भी होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ये उनके लिए बहुत बड़ी एक्सपोजर मिल जाती है। ये जो एक प्लेटफॉर्म है एंड एंटरप्रेन्योर्स लाइक अस, जो हम लोग बहुत एक हम लोग को एक एक्सपोजर मिला है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हमारे लिए टू एक्सपोज आवर बिजनेस, टू टॉक अबाउट आवर वेंचर टू अ प्लेटफॉर्म विच इज़ सो ह्यूज, वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम बन जाती है हमारे लिए, देखने के लिए बाहर की हो क्या रहा है ग्लोबल लेवल पे, हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना कि हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को की बात करते हैं उसमें हमारा भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो हमारे लिए वो बहुत एम्पावरिंग कम्युनिकेशन हो जाता है कि हमारा एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन वहीं पर आ जाता है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मी एंड सुनील वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मालदीव्स कंट्रोवर्सी विच जस्ट हैपेंड, तो अगर आप स्टडी करोगे लास्ट 10-15 डेज में वहाँ पे जो टूरिज्म हैज़ गॉन डाउन, अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव एक्चुअली मेड मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट, इंडिया ऑफकोर्स लक्षद्वीप बिकॉज वी हैड द प्लेटफॉर्म, सो विच एवर कंट्री वॉज रेडी विद द प्लेटफॉर्म और ऑफरिंग्स, कभी भी कुछ ग्लोबल जैसे चाइना का अभी अभी सुनाई दे रहा है कि अ लॉट ऑफ कंपनीज वॉन्ट टू मूव आउट, सो LIBF एक जरिया है एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जिससे कल जाकर वेन एवर एनी इंटरनेशनल ब्रांड्स इज एक्चुअली थिंकिंग टू मूव देयर बिजनेसेस आउट और बेनिफिट, तो एक प्लेटफॉर्म रहता है तो हमेशा उसको बेनिफिट मिलता है, सो सुपर एक्साइटेड फॉर LIBF। इस एक्सपोर्ट्स के माध्यम से ये जानकारी है कि इंडिया में जो बहुत सारी कंपनी है, आप पिछले कोविड के बाद जो भी कंपनी का सब रिजल्ट देखेंगे तो ऑल द रिजल्ट्स आर ग्रोइंग, हर कंपनी ग्रो कर रही है, हर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, एंड इन्वेस्टमेंट भी आप देखिए तो सब जगह से भारत की ओर आ रहा है। मैं ये इसके जरिए से यहाँ ये LMP जो एग्जीबिशन है वहाँ स्टॉक ब्रोकर्स भी है,
वहाँ इन्वेस्टर्स भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, तो सबको पता चलेगी भाई इंडिया में क्या ग्रोथ हो रहा है। तो ये एक सर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिसे आपको पता चलेगा कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है। इट्स राइट अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट।